आज मैं बात करने वाली हूँ अपने ट्रेवल एक्सपीरियंस के बारे में। मुझे लोग बहुत ज्यादा पूछते हैं कि आप कैसे ट्रेवल करते हो, जो ये ड्यूरेशन होता है आप इसमें कैसे मैनेज करते हो चीजों को। तो लोग मुझे मैसेज करते हैं, कॉमेंट्स करते हैं, उसके बाद कभी कभी तो मेल भी करते हैं। रही बची जो कसर रह जाती है वो सामने से आके पूछ लेते हैं, आपकी लाइफ तो बढ़िया है, आप ट्रेवल ही करते रहते हो, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जब भी बैग उठाओ और निकल लो घर से। सच में ऐसा होता है क्या? चीजें इतनी आसान होती है, हलवा होती इजी होती है, तो ऐसा नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास कुछ कमेंट्स आए, मतलब काफी टाइम से आ रहे, पर मैंने अब गौर करना चालू किया कि मैम आपके साथ घूमना है, आप ट्रेवल करते हो, मुझे भी साथ में ले चलो। ठीक है, पक्का मैं सबको लेके चलूंगी, थोड़ा रुको, जब आज मैं ये बता दूं उसके बाद लेके चलूंगी। तो मैं बस इतना ही कहूंगी कि रियलिटी को जानो, आंखें खोलो, और बस कुछ भी आसान नहीं होता है। हाँ, पर आप मैनेज करके चल सकते हो चीजों को तो ठीक है। तो बात ऐसी है कि कैमरे के पीछे और कैमरे की जो आगे की लाइफ होती है ना, वो दोनों ही बहुत अलग होती हैं। तो अंडरएस्टिमेट मत करो चीज़ों को। अगर पहली चीज़ पे बात करें ट्रेवल के दौरान, तो वो होता है फ्रीडम, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर मान लो आप, कि अगर आप स्वतंत्र नहीं हैं तो आप ट्रेवल कैसे कर सकते हो। लाइक आपकी जॉब है, आपकी स्टडी है, या फिर आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर हैं, रिलेटिव्स हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, आपको अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब मेरे साथ क्या है, मेरी ग्रेजुएशन कम्प्लीट हो चुकी है, मेरी पढ़ाई हो चुकी है कम्प्लीट, तो मैं फ्री हूँ, मैं ट्रैवल कर सकती हूँ, और मेरी एज भी, मैं बड़ी भी हो गई हूँ। लेकिन जो लोग फैमिली के बीच में रहते हैं, या तो आप ग्रेजुएट हो, और जो लोग जॉब करते हैं तो उनको जॉब बाउंड कर लेती है, इनकी स्टडी चल रही है, वो अपनी क्लासेस मिस कर सकते हैं, तो ये शायद सबसे बड़ा बैरियर तो मुझे यही लगता है। सेकेंड चीज़ पे अगर मैं बात करूँ तो वो आती है सिलेक्शन ऑफ लोकेशन। ट्रैवल एक अलग चीज़ है, पर आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि आपको कहाँ जाना, लद्दाख, कश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, आपको जाना कहाँ है। इसके बाद ये हो जाता है कि आपके माइंड में एक चीज़ क्लियर होती है कि हाँ मुझे जाना है, तो मुझे कैसे टिकट्स लेनी है, वहाँ रुकने का क्या है, आपके बजट का इशू देखना पड़ता है, वो काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ आपके ऊपर आ जाती हैं। अब मैं अगर अपनी बात करूँ तो अगर मैं ट्रिप प्लान करती हूँ तो मुझे काफ़ी पहले ट्रिप प्लान करनी पड़ती है, उसके बाद टिकट्स देखने पड़ते हैं, फिर वहाँ पे मुझे रूम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वहाँ का वेदर कैसा है, वहाँ पे लैंग्वेज का क्या है। तो जैसे कि मेरी एक ट्रिप मैंने प्लान कर ली करीब 2 महीने पहले, फिर मुझे उसके बाद कौन सी ट्रिप है, और कभी कभी तो 2 ट्रिप के बाद तीसरी ट्रिप भी प्लान करनी पड़ती है। तो अपने माइंड में क्लियर करिए कि आपको लोकेशन जो है वो पहले सिलेक्ट करनी पड़ती है, ऐसा नहीं बस बैग उठाए निकल लिए, वो होता है। बट अगर आप पूछ रहे हो एक प्रोसीजर, अच्छे से जाना चाहते हैं, आपकी जर्नी बहुत अच्छी हो, आप खुश रहें वहाँ, इंजॉय करें, तो आपको लोकेशन चूज़ करनी है, उसके बाद आपको जाना है। तीसरा पॉइंट मेरा आता है कि आप वेदर, अगर मैं कहीं भी ट्रैवल करती हूँ तो मैं सबसे पहले वेदर देखती हूँ, वहाँ का वेदर कैसा है। अब ऐसा नहीं है कि आप गर्मी में बैग उठाए राजस्थान चले गए, वो तो किसी सुसाइड से कम नहीं होगा। लेकिन कभी कभी एक यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि जो बड़े बड़े मेगा फेस्टिवल्स होते हैं उनमें आप तिथि चेंज नहीं कर सकते, उनको आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको वहाँ जाना है तो आपको उस एटमॉस्फेयर में ढलना ही पड़ेगा, चाहे गर्मी है, बरसात है, कुछ भी है। मेरे साथ 2 जगह पे एक डेडली एक्सपीरियंस हुआ है, मेरे साथ 2 प्लेस पर थोड़ा सा ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि मैं बताऊँ मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पहला था रथ यात्रा उड़ीसा और दूसरा था केरल ओनम। उड़ीसा में क्या था, इस हिसाब की गर्मी थी, 100% ह्यूमिडिटी थी, तो मैं अपने साथ वाले से पूछ रही थी कि 100% से भी ऊपर ह्यूमिडिटी होती है क्या, जब कांटा 100 टच कर रहा है तो गर्मी तो उस लेवल की हो गई ना कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो सड़क है जहाँ पर रथ यात्रा निकलती है, वहाँ पे लोगों पे स्प्रे किए जा रहे हैं, बड़े बड़े टैंकर रखे हैं वहाँ पे, लोग स्प्रे कर रहे हैं कंटिन्यू, तब वहाँ थोड़ा सा चीज़ें सही हो रही। सोचिए 23, 24, 25, 26 साल के लड़के लड़कियाँ बेहोश हो रहे हैं, इस लेवल की गर्मी थी। वैसे ओनम में ह्यूमिडिटी थी 85-86%, बट वहाँ की जो गर्मी थी ना वो बर्दाश्त करने वाली थी, स्किन जल रही थी हमारी। तो ये थोड़ी सी आती है कि आप यहाँ मेगा फेस्टिवल को चेंज नहीं कर सकते। बाकी अगर आप नॉर्मल डेज में कहीं जा रहे हैं तो एटमॉस्फेयर देख के जाओ। अगर आप किसी भी हिल स्टेशन जा रहे हैं तो उस जगह को अंडरएस्टिमेट मत करें। अगर वो थोड़ी ठंडक वाली जगह आपको लगता है कि वहाँ ठंडी पड़ती है या कभी भी बारिश हो सकती है, तो आप प्रॉपर कपड़े रखें। मैं एक बार गई थी, जब मेरा अमरनाथ का ट्रिप कैंसिल हुआ था, तो मैं अमरनाथ, छोटा अमरनाथ मध्य प्रदेश के जंगलों में पड़ता है, मैं वहाँ गई थी। उस दौरान क्या हुआ, मैंने गलती से, पता नहीं मेरे माइंड में क्या है, मैंने रेनकोट रख लिया, और घर से 15 किलोमीटर निकलते ही, जैसे ही जंगल स्टार्ट हुआ हमारे शहर से, इंदौर से, वहाँ से निकलते ही ना बारिश शुरू हो गई, और ऐसी बारिश, सीरियसली मैं गाड़ी पे बैठी रही लगातार, और जब तक मैं ट्रिप किया वापस आई हूँ, शाम करीब करीब शाम हो गई थी और बारिश रुकी नहीं, बारिश लगातार होती रही, और रेनकोट पहनने के बाद भी मैं गीली हो गई थी।
सोचिए अगर इतने घंटे में भींगती तो मैं बीमार पड़ जाती। तो अंडरएस्टिमेट मत करो चीज़ों को। एक चीज़ और, गर्मी की बात हो रही तो एक बात और बताऊँ, गर्मी में ट्रैवल के दौरान एक चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है, अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचाना है। अगर आप डिहाइड्रेट हो गए ना तो आपका पूरा ट्रिप ख़राब हो जाएगा। एक बार मेरे साथ हुआ था, मैं ओरछा में थी, वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो मेरी बॉडी डिहाइड्रेट हो गई थी और शायद मैं 6 से 7 घंटे एक ही जगह लेटी रही थी, एक ही जगह मेरे बस एक्सट्रीम पेन हो रहा था स्टमक में। और फिर उसके बाद जब मैं डॉक्टर के पास पहुँची तो मुझे पता चला कि डिहाइड्रेट हुई है बॉडी। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैं ट्रैवल के दौरान अपने पास कुछ मेडिसिंस ORS वगैरह रखती हूँ, अब तब से जब से मेरे साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। बाकी वहाँ पे मेडिकल वगैरह होते हैं, अगर ज़्यादा हिल स्टेशन वगैरह हैं, थोड़ा आउटर एरिया पड़ जाता है तो थोड़ा प्रॉब्लम आती है, बाकी सब तो मिल जाता है। फिर अब बात करते हैं बजट की। तो बजट में क्या होता है, अगर मैं ट्रैवल पे निकलने वाली हूँ तो मुझे पहले ही देखना पड़ता है मेरे पास कितना बैकअप है पैसे का। तो आप लोग मुझसे पूछते ही रहते हैं कि आप पैसे को कैसे मैनेज करती हूँ, आप ट्रैवल के दौरान जो भी चीज़ें होती हैं उनको कैसे जान पाती हूँ कि आपका कितना बजट आएगा। तो वो थोड़ा बहुत आप मोटा मोटा मैं जोड़ के चलती हूँ कि भाई हाँ मेरा 2000 आ जाएगा, 1000 या 4000 आ जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले करता है इन ट्रैवलिंग वो आपका करता है बजट, आप पे पैसा है या नहीं है। अगर पैसा मैं मैनेज नहीं कर पाऊँगी या मेरे पास नहीं है तो घर बैठे हो गई ट्रैवलिंग। तो बजट का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है ट्रैवलिंग में। तो पाँचवीं जो चीज़ आती है वो आती है टिकट्स। तो अगर आप एक लॉन्ग जर्नी पे जा रहे हैं तो आपको टिकट करवानी पड़ेगी। मैं बेसिक ट्रैवल की बात करूँ तो स्लीपर मैं लेके चलती हूँ, जनरल बहुत लो हो जाएगा और एसी थोड़ा हाई, तो मैं नॉर्मल लेके चलती हूँ मोस्टली। मैं हमेशा ही ज़्यादातर मैं स्लीपर से ही ट्रैवल करती हूँ। एसी में क्या होता है ना कि आप एक लोकेशन में बैठे हैं, वहाँ हो सकता है ठंडक हो, फिर आप एक डेस्टिनेशन पर उतरते हैं जाके, तो वहाँ पर क्या होता है, हो सकता है वहाँ गर्मी ज़्यादा हो, तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कभी कभी, मुझे जुकाम बहुत ज़्यादा हो जाता है जिससे पूरा मेरा ट्रिप ख़राब हो जाता है या फीवर हो जाए। अब बात करते हैं स्टे की। अगर आप ट्रैवल के दौरान बाहर हो तो आपको स्टे के लिए रूम वगैरह देखना पड़ता है। तो मैं क्या करती हूँ, अगर मेरा टिकट पहले हो जाता है तो मैं डॉर्मेट्री रूम का अप्लाई करती हूँ, अगर मुझे मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो आपके पास बजट इतना अच्छा नहीं है तो आप धर्मशालाएँ देख सकते हो या फिर होटल देख सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना, जो होटल की पिक्चर्स आपको ऑनलाइन दिखाई जाती है आप उसके भरोसे मत लेना होटल। मैं ज़्यादातर क्या कोशिश करती हूँ, मैं वहीं जाके बात करती हूँ, उससे आप क्या करते हो उनमें थोड़ा नाप तोल भी मतलब थोड़ा भाव का भी कर सकते हैं, भाई थोड़ा सा कम कर लो, थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। अब बात करते हैं हमारे बॉडी के फ्यूल की, मतलब फूड। तो ट्रैवल के दौरान अगर मैं ये सोच के बैठ गई कि मुझे हाइजीनिक फूड खाना है या हेल्दी फूड खाना है तो शायद मुझे भूखा सोना पड़े। थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है यार, या तो आप थोड़ा बहुत बैकअप में रखो। जैसे कि अगर मैं गर्मियों में जाती हूँ बाहर ट्रैवल करने तो मैं अपने पास सत्तू वगैरह रख लेती हूँ, क्योंकि सत्तू बहुत अच्छा होता है बॉडी के लिए। और बाकी मैं क्या करती हूँ, जो भी मुझे मिल रहा होता है, ड्राई फ्रूट मिल गया या दुकान पे, मुझे रास्ते में अगर दुकान वगैरह दिख गई तो मैं वहाँ जाके कुछ ना कुछ बैकअप में अपने पास रख लेती हूँ। बाकी मेरे पास बैग में काफ़ी कुछ होता है बैकअप में, आप इमरजेंसी में खाने के लिए। बाहर मैं खाती हूँ पर एक टाइम डे में, बस एक दिन में बस एक बार खाती हूँ, और वो भी मैं ढूंढती हूँ, अगर नहीं मिल पा रहा है तो मजबूरी है खाने की। लेकिन मैं यही कहूँगी कि रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप इनके आसपास के एरिए में मत खाएं। अगर वो स्टेशन और बस स्टॉप जो है वो बड़ा है, मतलब लाइक जंक्शन टाइप है, तो अगर छोटे मोटे एरियाज में है तो वहाँ पे खाना काफ़ी अच्छा मिलेगा, वहाँ मिल जाता है काफ़ी अच्छा। मैं देख चुकी हूँ कोलकाता में, जब मैं बैलोड में थी तो बैलोड रेलवे स्टेशन के पास ही पूरी मार्केट थी, क्योंकि वो एक टाउन में था इसलिए। और मैंने आपको बताया बैकअप में थोड़ा बहुत रख लीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बाकी कभी कभी जंक फूड खा लेना चाहिए यार, मोस्टली जगह पे वही मिलता है। तो जैसे हम घर पे होते तो कभी खाने से बोर हो जाते तो बाहर खा लेते हैं, वैसे सोच लो यार। बाकी खाने का तो यही रहता है कि ट्रैवल के दौरान बहुत अच्छा फूड नहीं मिल पाता है तो हमें मैनेज करना ही करना पड़ता है। तो अब बात करते हैं कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज की। ये मैं बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि जब आप बाहर होते हो तो जैसे कि आप साउथ में हो तो वहाँ पे सबको हिंदी नहीं आती है, काफ़ी प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ हिंदी नहीं आती है। तो अगर आपको लगता है कि आपको इंग्लिश आती है तो आप 100% गलत हो, इंग्लिश सभी जगह काम नहीं आती है। आती है पर सब जगह नहीं। जैसे कि मैं एक छोटे से रेस्टोरेंट केरल में थी, वहाँ पे फीमेल्स वो चलाती थी, मुझे पता चला था, मंदिर के पास में ही था, पर जब मैं वहाँ पहुँची तो मैं उनसे कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रही थी। मैं इंग्लिश बोलती तो उन्हें इंग्लिश नहीं आती, उनकी लैंग्वेज मुझे नहीं आ रही थी, उन्हें हिंदी भी नहीं आती थी, तब मैंने दूसरे लोगों से हेल्प की। लेकिन इसमें एक पॉइंट आ जाता है, अगर आप इंट्रोवर्ट नहीं हो, एक्सप्रेसिव, अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हो आप, तो उससे क्या होता है कि आप इशारे से बात कर सकते हो, किसी की हेल्प ले सकते हो,
तो इससे ना आप लोगों से तालमेल बिठा सकते हो, या फिर जैसे कि आपको वहाँ ऑटो पकड़ना है, बस वाले से टिकट मांगनी है, तो आप अगर उसको इंग्लिश नहीं आती या आ भी रही है, कभी कभी तो नहीं आती, बहुत सारी जगह ऐसा होता है जहाँ पे लैंग्वेज का इशू आ जाता है, तो आप बात कर सकते हो उनसे, इशारे में कर सकते हो, या फिर आप किसी की हेल्प ले सकते हो। तो आपको बोलना आना चाहिए, मतलब खुश मिजाज रहो, हंसते मुस्कुराते रहो हर जगह, ट्रैवल में यही सब चाहिए होता है, अपना मस्त मौला रहो। अब एज अ गर्ल मुझे ट्रैवल के दौरान कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। अब ट्रैवल में एक ही प्रॉब्लम है जो मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक देती है, वो है पीरियड्स का। वैसे मोस्टली टाइम मैं अपना जो भी ट्रैवल प्लानिंग जो करती हूँ वो ऐसे करती हूँ कि मेरे पीरियड्स बीच में ना आए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे जाना ही जाना पड़ता है, तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखती हूँ अपना, थोड़ा रेस्ट करती हूँ। अगर भले ही मैं कितना ही ज़्यादा मुझे काम है, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, फिर भी मैं अपने लिए टाइम निकालती हूँ, एक दिन मैं पूरा रेस्ट करती हूँ। और अगर ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा ही मुझे काम है, जाना ही पड़ेगा, तो मैं थोड़ा कम रेस्ट करती हूँ, पर अपने आप को रिलैक्स, बहुत ज़्यादा रिलैक्स करती हूँ। अगर ड्यूरेशन में मैं ट्रेन में हूँ तो मैं क्या करती हूँ, ऊपर वाली बर्थ पे किसी की भी है मैं जाके सो जाती हूँ, बाकी मैं रिलैक्स करती हूँ। और मैं यही सोचती हूँ, मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर आपको बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है या फिर आप परेशान हो, तो भाई आप रिलैक्स करो। ट्रिप क्या है, ट्रिप तो दोबारा प्लान हो जाएगी, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो आपको झेलनी पड़ेगी लॉन्ग टर्म। तो मेरे साथ तो यही प्रॉब्लम आती है, बाकी मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है मेरे साथ एज अ गर्ल। तो अब बात करते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं क्यों बोल रही हूँ इसको, क्योंकि इसमें हो क्या होता है, आप पैनिक हो जाते हो, आपके एंगर इश्यूज को कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे कि आप बाहर हो, आपकी नॉर्मली बहस होती ही होती है, आपको उससे बचना है, आपको आपको बचाना ही बचाना है, कूल एंड काम रहना है, ऊल ऊल वाला मतलब देखो, होटल वाले से, ऑटो वाले से, कभी कभी जहाँ पे आप खाना खाने जा रहे हो वहाँ पे बहस हो ही जाती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप बहुत अजीब हो, कभी कभी वो लोग भी होते हैं, वो तो दिन भर कस्टमर को डील करते रहते हैं, तो उनका प्रेशर वैसे ही बहुत ज़्यादा माइंड में होता है। और आप ट्रिप पे हो, वो तो शाम को घर चले जाएंगे आपसे लड़ाई करके, लेकिन आपकी ट्रिप ख़राब हो जाएगी, कभी कभी हाथापाई भी कर लेते हैं वो, तो इसे आप बहुत ज़्यादा अवॉइड करो। ट्रैवल में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप अगर ट्रेन में हो तो आपकी बहस हो रही है, आप बस में हो तो आपकी बहस हो जाए, मतलब हो ही जाती है, ऑटो में, मतलब हर जगह लोग बैठे हैं भाई, वो खाना खा रहे हैं आजकल, केमिकल इतने खा रहे हैं कि उनमें बहुत गुस्सा भरा हुआ है। तो आप कूल एंड काम रहो, आप खुद को कंट्रोल करो कि भाई मुझे लड़ाई नहीं करनी, सामने वाला कर रहा है तो ठीक है, नहीं ले तेरी तो लड़े जा रहे हैं, नहीं करना भाई, नहीं करना, पूरा ट्रिप की ऐसी तैसी हो जाएगी। मैं सच बता रही हूँ, ये चीज़ मैंने देखी है, मतलब मेरे साथ तो नहीं हुआ, मैं एक दो बार बहस हुई उसके बाद मैंने खुद को कंट्रोल कर लिया। बाकी मैं बताऊँ, मैंने लोगों को इतनी गंदी तरीके से लड़ाई करते हुए देखा है ट्रेन में, खासकर मुक्के लाते चल रही हैं, तो अवॉइड करो, फुल टू अवॉइड करो, बाकी फिर है ही आपकी ट्रिप मस्त। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो ट्रैवल के दौरान आती हैं, और इन प्रॉब्लम्स को आपको सोचना समझना चाहिए तभी आप ट्रैवल स्टार्ट करो। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट जब बढ़ जाती है तो बहुत बड़ी हो जाती हैं। तो कुछ मैंने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया आपके साथ इस दौरान, कि मैं ट्रैवल में कैसे चीज़ों को मैनेज करती हूँ, जो आप मुझसे पूछते हो हमेशा कि मैम आप कैसे जाते हो, कैसे मैनेज करते हो, तो मैंने अपना भी एक्सपीरियंस बताया, और बाकी जो भी प्रॉब्लम्स आती है वो भी बताई हैं। अब आप मुझे बताना कि आप जब ट्रैवल करते हो तो आप कौन कौन सी चीज़ों को मैनेज करते हो, या फिर कौन सी चीज़ें आप फेस करते हो वहाँ पे ट्रैवल के दौरान, जो प्रॉब्लम्स आती हैं। मेरी जर्नी ये थी, आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपकी जर्नी कैसी रही। थैंक यू।